मैं हूँ सोनू और आज रिपेयरिंग लाया हूँ टोक्यो सार्ट कंपनी का मेड टॉर्च रिपेयरिंग में। हल्की ये टॉर्च समय हमने ऑलरेडी आज इसको हमने बना रखा है ताकि कम समय में आपको मैं जानकारी दे सकूँ। इसमें होता ये है कि ये टॉर्च या तो रखे रखे बैटरी ख़राब हो जा रही है, बैटरी मार्केट में मिल नहीं रही, तो हमने इस बार ये बैटरी आप देख रहे हैं जो फ्रंट बैटरी है इसी में का हमने एक बैटरी लगा के इसको चालू कर दिया है। ये बैटरी रिमोट की ये वाली साइज़ होती है, पतली वाली, इसी थोड़ा सा मोटा ये साइज़ होती है। इस ये साइज़ का बैटरी है जिसका नंबर होता है 2A, इसको हमने लगाया है। और इसमें फॉल्ट होता यह है कि ज़्यादा रखने से इसमें यहाँ पर कार्बन आ जाता है, तो आप इस दोनों पार्ट को खोल करके इसको साफ़ कर दीजिए। सामने इसको साफ़ कर दिया है, देखिए ऐसे खोलने पर इसको हमने साफ़ कर दिया अच्छे से। यहाँ पर सफ़ेद कार्बन साफ़ कर दिया है और यहाँ पर थोड़े से हमने रागा रगा दिया है ताकि अच्छे से चिपकेगा, और कोई इसमें फॉल्ट नहीं था। ठीक है, ऐसे आप इसकी रिपेयरिंग करेंगे। मैं इसको चेक करके अपने खाँसी सेट करके इसको बाद इस रिम को चिमटी से हम कस देंगे। और देखिए ये पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया गया है, इसमें बहुत फॉल्ट नहीं था। केवल आप डस्ट जो सफ़ेद आता है उसको आप हटा करके सिर्फ करेंगे, सही हो जाएगा। ये तीन जगह से खुलता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, इसमें 3.7 वोल्ट बैटरी होता है, इसका चार्जर नहीं था तो स्टारच का चार्जर यहाँ काम कर दिया है, ये भी इसमें काम कर देगा। 4 वोल्ट का चार्जर लगा देंगे तो पूरी कंप्लीट पर इतना बड़ा जाता है। ठीक है, एक भी तेक से भी कम का टार्च है ये, और इस तरह आप इसको चार्जिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। जब एलईडी जलाएंगे तो कलर भी चेंज होगा चार्जर का, क्योंकि लोड ज़्यादा है। ठीक है।